बच्चों आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो इनमें से किन के आंसर में जीरो नहीं आएगा तो मैं देखे आपको दिखाती हूँ टू पॉइंट थ्री का ये रहा मैंने क्वेश्चन लिख रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो जिसमें से नहीं आएगा मैंने चार ऑप्शन यहाँ लिख दिए हैं वन और जीरो वन और जीरो को अगर हम बीच में क्या निशान है प्लस अगर हम वन और जीरो को ऐड करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा वन तो इसमें क्या आ गया वन अब जीरो और जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर जीरो अब जीरो को किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर जीरो यहाँ क्या है टेन में से टेन माइनस करना कितना बचेगा जीरो बाय में क्या है टू अगर फिर जीरो को किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो आखिर में क्या आएगा आंसर जीरो तो ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो इनमें से किस में जीरो नहीं आएगा इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है सिर्फ एक फर्स्ट वाला ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारा क्या नहीं आ रहा है जीरो तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप मूव ऑन करते हैं सेकंड स्टेटमेंट अपने रीड करो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है गुणा करनी है आपको दो होल नंबर दो कोई भी पूरे नंबर आप लीजिए उनकी मल्टीप्लाई करनी है और वो कह रहा है कि वो जीरो आना चाहिए कैन वी से अगर वो जीरो आता है तो कैन वी से हम कह सकते हैं वन और बोथ या फिर वन चाहे तो एक या फिर बोथ उनमें से दोनों विल बी जीरो उनमें से चाहे एक या फिर दोनों जीरो होंगे जस्टिफाई थ्रो एग्जाम्पल एग्जाम्पल से हमें समझाना देखो बच्चों मैं लिखती हूँ जैसे कि यहां मैं लिख के दिखाती हूँ आपको अगर देखो अगर वो कह रहा है अगर कोई भी किसी भी कोई भी दो नंबर ले लीजिए आप क्या लेने हैं होल नंबर जैसे मैं ले रही हूँ जीरो और वन मैंने ले लिया जीरो और वन कुछ भी आप ले लीजिए ली उसमें से कह रहा है अगर जीरो आ रही है जीरो और वन की मल्टीप्लाई जीरो जीरो आ रहा है तो उसमें से एटलीस्ट एक नंबर या फिर दोनों नंबर जीरो होने चाहिए जैसे कई बार दो भी हो दोनों भी हो सकते हैं ज़ीरो और जीरो की मल्टीप्लाई भी जीरो आती है या फिर एक तो ज़रूर होना चाहिए उनमें से अगर जीरो आंसर आ रहा है तो ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है आप कुछ और ले लो जैसे फोर मल्टीप्लाई अगर एक अक्सर जीरो होगा ना आगे कुछ भी हो दूसरी डिजिट तो जीरो आ ही जाएगा और दोनों के ज़ीरो आने पर भी जीरो आ सकता है तो ये बिल्कुल ठीक है आप लिख सकते हो इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ ज़ीरो अगर दो दो नंबर्स की प्रोडक्ट अगर जीरो आ रही है तो कह है सकते हैं हम कि चाहे उनमें से एक या फिर दोनों जीरो हो सकती है तो ये बिल्कुल एक ट्रू बात है आप मैंने ऐसा एग्जांपल भी दे दिए आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ या क्या लिखा है ध्यान से देखिए इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर अगेन हमें प्रोडक्ट करनी है टू होल नंबर दो होल नंबर की प्रोडक्ट जो है वन आ सकती है कह रहे हैं कैन वी से दैट हम ये कह सकते हैं वन और बोथ ऑफ देम चाहे उनमें से एक या फिर वो दोनों विल बी वन वो चाहे एक या फिर उनमें से दोनों जने दोनों एक एक हो आप बताना है ठीक है जस्टिफाई थ्रो एग्जाम्पल से बताना है तो मैं क्वेश्चन नंबर थी थ्री यहाँ लिखूंगी देखो ऐसा वैसे हो नहीं सकता मैंने पहले लिख दिया नो इट्स नॉट पॉसिबल है एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझा रही हूँ वो कह रहा है चाहे तो एक नंबर जीरो एक नंबर वन हो जैसे यहाँ वन लिख दिया तो आंसर क्या आना चाहिए वन देखो लेकिन आगे कोई और चाहे एक या फिर दोनों नंबर वन हो ऐसे कह रहा है ना चाहे एक या फिर दोनों नंबर वन होने चाहिए अगर दोनों नंबर वन है इस केस में तो आ रहा है वन और वन लेकिन अगर एक नंबर एक है तो और दूसरे नंबर कुछ भी कुछ और भी हो सकता है मान लीजिए यहाँ पे टू है या फिर थ्री है या फोर है फाइव है तो हमारा यहाँ वन आना इम्पॉसिबल है ये नहीं आ सकता बच्चों क्योंकि देखो टू वन जो टू यहाँ क्या आएगा टू आ सकता है ना कि यहाँ वन यहाँ क्या आ सकता है टू या वन कभी नहीं आ सकता तो इसीलिए ये बड़ा केस तो बन रहा है कि दोनों अगर वन हो तो वन आ सकता है लेकिन उनमें से एक अगर वन है तो वन नहीं आ सकता तो ये नोट आंसर ये इसमें नहीं पॉसिबल है तो ये मैंने एग्जाम्पल दे आपको ऐसे भी बताना है ठीक है उसके बाद मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ इसमें क्या रखा है फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से पिछले एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बताई थी इसको सोल्व करना है लेकिन प्रॉपर्टी ये वाली लगानी है डिस्ट्रीब्यूटिव तो मैं इसको दिखाती हूँ देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या करेंगे फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे होती है बच्चों देखो जैसे सेवन टू एट ये लिख दिया वन हंड्रेड वन को हम खोल के लिखेंगे वन जीरो जीरो प्लस वन ठीक है ये आसानी से खुल रहा है यहाँ इसलिए मैंने बताया था ना जो ईजी से आप हंड्रेड वाला बनाइए जहाँ तक हो सके आप कई बार बहुत ज़्यादा बड़ी वो भी आ जाएंगे अलग अलग तरह की रकमें तो मैं बता रही हूँ बेटा ज़्यादातर हम किसका हंड्रेड वाला बनेंगे जो हंड्रेड के मल्टीपल में बन रहा है ना हम वो वाला पहले बनाएंगे बनें आप ऐसे आप कह सकते हो बट इसमें से दोनों हंड्रेड में बन सकते हैं इसका भी सेवन हंड्रेड मल्टीप्लाई ट्वेंटी एट बन रहा है लेकिन नहीं बेटा जो ज़्यादा पहले ईजिएस्ट वे में बन रहा है ना हंड्रेड प्लस वन इसमें बहुत ही माइन माइनर सा गैप है तो हम ये वाला बनाएंगे ठीक है अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस का निशान फिर इसकी इसके साथ दोनों डिजिट के साथ आपको मल्टीप्लाई करती है सेवन टू एट की मल्टीप्लाई पहले करेंगे हंड्रेड के साथ फिर प्लस का निशान फिर सेवन ट्वेंटी एट की मल्टीप्लाई सेकंड वाले वर्ड के साथ वन के साथ ठीक है तो अब सेवन ट्वेंटी एट और इसके नाम की टू टू जीरो प्लस में सेवन ट्वेंटी एट वन सावन ट्वेंटी एट ही होता है फिर हम इसको ऐड कर देंगे एट का एट टू का एट का एट टू का टू और फिफ्टीन और वन की कैरी रही थ्री और सेवन ये हमारा क्या आ गया आंसर ये आप सोल्व कर लेना बेटा अभी ऐसा ही सेम क्वेश्चन नंबर टू है यहाँ मैंने पहले ही लिख दिया है क्वेश्चन नंबर टू इसमें ये फिर से आपको यही करना है देखो अब यहाँ पे क्या है हंड्रेड वाली कोई डिजिट नहीं बन सकती इसमें भी थाउजेंड है और इसमें भी तो हम ज़्यादा ईजीएसट वे में ये बन जाएगा तो हम इसमें का बहुत कम गैप है इसीलिए हम इसको करेंगे फाइव फोर थ्री वन तो हम एज इट इस इज़ लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे थाउजेंड प्लस वन ठीक है हम क्या लिखेंगे थाउजेंड प्लस वन अब क्या है अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव फोर थ्री वन की इसके साथ करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आप ऐसे लिख भी सकते हो अगर बच्चों को कंफ्यूज हो रही है तो ये इस किस किस किसके साथ करनी है प्लस में फिर फाइव फोर थ्री सेवन की किसके साथ करनी है वन के साथ ठीक है अब इसके आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यूजुअली ये तो बहुत इजी है इस किस साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फाइव फोर थ्री वन वन टू थ्री ज़ीरो आएगा ठीक है प्लस में इसकी इसके साथ ही करोगे तो फाइव फोर थ्री वन ही आ जाएगा फिर सेवन का सेवन थ्री का थ्री फोर का फोर और सेवन और फाइव सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व का टू वन की कैरी फोर एंड फोर एंड फाइव ये आ गया आपका आंसर ठीक है बच्चों इसको थोड़ा ऐसे कंफ्यूजिंग होता है वो साइड में प्लस या माइनस करके देख सकता है माइनस तो नहीं होगा लेकिन कैलकुलेशन साइड में करके देख सकता है अब देखो बेटा इसमें देखो मैंने कहा था ना ये ट्वेंटी फाइव फेहे इसको भी लिख सकते हैं हम ट्वेंटी प्लस फाइव लेकिन मैंने क्या कहा ज़्यादातर प्रेफरेंस इसको देनी है सबसे पहले हंड्रेड वाला अगर कोई बन रहा है ना हंड्रेड के मल्टीपल में तो बेटा पहले हमें वो बना ट्वेंटी फाइव एज डी एज इट इज लिख देंगे एट हंड्रेड ट्वेंटी फोर को खोलेंगे एट हंड्रेड प्लस ट्वेंटी प्लस फोर फिर अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे फिर प्लस का निशान फिर दूसरे वाले के साथ करेंगे फिर प्लस का निशान फिर तीसरे वाले के साथ तीनों के साथ लिख दिया अब इसकी इसके साथ करेंगे ट्वेंटी फाइव एट जहाँ ये मैंने लिख दिया और दो जीरो की जीरो लिख दी फिर ट्वेंटी फाइव टू जाए फिफ्टी फिर जीरो की जीरो ट्वेंटी फाइव फोर जाए हंड्रेड और फिर लास्ट में तीनों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है ये बच्चों ये हमारा क्या आ गया आंसर ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हमें एस आई डी पार्ट है इसका इसमें क्या कर रखा है वन ट्वेंटी फाइव इसको मैंने कहा ना हंड्रेड के मल्टीपल वाला पहले तोड़ेंगे तो इसको हम तोड़ लेंगे पीछे क्योंकि ये हंड्रेड में टूट रहा है हंड्रेड प्लस ट्वेंटी प्लस फाइव मिलकर क्या बन गया ट्वेंटी फाइव फिर पहले इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस का निशान फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई फोर हंड्रेड 4275 की 20 के साथ फिर प्लस में 400 4275 की 5 के साथ फिर इस किसके साथ करेंगे ये आ जाएगा इस किसके साथ करेंगे ये आएगा इस किसके साथ इस किसके साथ करेंगे ये लास्ट में तीनों डिजिट को हम ऐड करेंगे ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर ठीक है बच्चों ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर ई है अब हम फिर से मैंने बताया पहले हम प्रेफरेंस किसको देंगे जो 500 के मल्टीपल में है। तो इसको नहीं खोलेंगे इसको खोलेंगे क्योंकि ये 500 आ रहा है तो 500 प्लस में फोर ये इट इज़ पहले इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इसके साथ करेंगे ठीक है इसकी इसके साथ करेंगे 35 फाइव फाइव जा वन सेवेंटी की टू जीरो प्लस में थर्टी फाइव फोर जा वन फोर्टी और दोनों को ऐड करने के बाद ये हमारा आ गया फाइनल आंसर सिक्स आई थिंक इसमें सिक्स ही क्वेश्चन है हाँ बच्चों इसमें क्या है सीख ई तक ही है अब देखो अब ये क्वेश्चन है स्टडी द पैटर्न ये आपको पैटर्न समझना है कि ये कैसे किया गया है ध्यान से देखिए अब यहाँ पे थोड़ा आपको राइट रेड नेक्स्ट टू स्टेप इसके आगे के दो स्टेप लिखने हैं हमने यहाँ तक इन्होंने लिख रखा है इसके आगे के दो और लिखने हैं कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क आपको बताना है कैसे ये पैटर्न है समझाना भी है कि कैसे आपने किया है तो एक हिंट भी दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे कुछ आपको इसके देख के भी कर सकते हो तो देखो एक मैं बताती हूँ मेरे को जो हिंट लग रहा है यहाँ पे देखो सबसे पहले ये देखो वन एट वन आ रहा है यहाँ पे ट्वेल्व एट टू आ गया अब फिर वन ट्वेंटी थ्री एट थ्री आ गया one, two, three, four, five, फिर वन टू थ्री फोर फिर एट और फोर आ गया वन टू थ्री फोर फाइव फिर एट और फाइव आपको ये देखो इन चीज़ों इन में इनमें कॉमन क्या लग रहा है आपको देखो यहाँ भी वन है 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 तो वन तो सब में सेम है इट मीन्स वन तो आएगा ही आएगा वन तो मैं लिख दी हूँ वन यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा फिर देखो यहाँ वन था फिर यहाँ टू आ, फिर आ गया फिर यहाँ टू आया है फिर टू आया है फिर टू ठीक है इन्होंने क्या किया देखो वन के बाद यहाँ टू आया है यहाँ थ्री यहाँ फोर भी आ गए यहाँ फाइव भी आ गए इसका मतलब यहाँ सिक्स भी आएगा और यहाँ सेवन भी आएगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आएगा और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन आएगा क्योंकि मैंने देखो यहाँ वन था यहाँ वन टू आ गया फिर वन टू थ्री एक एक ऐड करते जा रहे हैं वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इसलिए मैंने यहाँ तक लिख दिया तो उसके बाद सब में मल्टीप्लाई का निशान है तो मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई लगा दूंगी और यहाँ भी मल्टीप्लाई लगा दूंगी फिर देखो एट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा लगातार तो एट तो सेम है एट यहाँ भी लिख दूंगी और एट यहाँ भी लिख दूंगी फिर सेम प्लस का निशान है प्लस का निशान है तो यहाँ भी हम प्लस लगा देंगे और यहाँ भी हम प्लस लगा देंगे फिर देखो यहाँ पे क्या चल रहा है वन टू थ्री तो काउंटिंग है फोर फाइव तो यहाँ क्या आ जाएगा सिक्स और सेवन फिर सब में इक्वल का निशान है इक्वल का निशान है तो ऑब्वियसली यहाँ भी इक्वल का ही आएगा अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है नाइन नाइन एट नाइन एट सेवन सोचो क्या हो रहा है देखो यहाँ पे क्या हो रहा था एक ऐड हो रहा था वन वन टू वन टू थ्री वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे क्या आ रहा है एक, एक कम हो रहा है नाइन नाइन में से एक गया एट नाइन फिर एट में से एक गया सेवन सेवन में से सेवन गया सिक्स सिक्स में से सेवन गया फाइव तो ऐसे ही मैं एक और माइनस कर दूंगी क्या लिखना है नाइन एट सेवन सिक्स फाइव इतना तो दोनों में सेम लिख दो नाइन एट सेवन सिक्स फाइव लेकिन यहाँ क्या आ रहा है फाइव से एक कम करेंगे तो यहाँ फ़ोर आ जाएगा फिर यहाँ फोर से भी एक कम करना क्योंकि और नीचे था फोर में सेक गए यहाँ आ जाएगा थ्री ये आपका हो गया फाइनल में इसमें दो स्टेप ही लिखने थे मैंने दोनों स्टेप लिख दिए हैं और मैंने बता भी दिया ये पैटर्न कैसे वर्क करता है ठीक है बच्चों होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी थैंक यू